हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे ITVP एनिमल ट्रांसपोर्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यह एग्जाम 16/2/2020 को कंडक्ट हुआ था। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश कहाँ से पूछ दिया इसमें। सिलेबस में तो ऐसे जिक्र नहीं है इंग्लिश का, बट इंग्लिश पूछा गया है। 15-15 नंबर करके दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी का और इंग्लिश का। आप देख सकते हैं, दिखाऊंगा मैं। और फ्रेंड्स, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के पार्ट को। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम त्रिविमीय यानी 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंगा अनुपात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन बी होगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग NH7 होगा, वैसे NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो ये होता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्योदय डैश को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा, ऑटोमोबाइल को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में प्रथम ऊर्ध्वाधर उद्यान स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे सौर मंडल के किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, एक आकाशगंगा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 9 नंबर, अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10 नंबर, दरारी घाटी का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो भ्रंश के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिरी पुत्रिका कल्याण पथ कम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, वाष्पीकरण किसका परिणाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्मा की वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 13 नंबर, AIFF 2017 के वार्षिक खिलाड़ी किसे नामित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील छेत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 14 नंबर, ताजमहल का रंग पीला पड़ने का निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 15 नंबर, आकार के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट होगा बृहस्पति, सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, फिर पृथ्वी, फिर बुध। तो ये होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सी था, इसलिए गलत होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजमत अली खान जुड़े हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरौल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 17 नंबर, संचालन के लिए निजी हाथों में सौंपे जाने वाले भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे शीर्षक वाली पुस्तक लिखी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य ने पहली बार पुलिस के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद की भजन रचनाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी होगा, कोई लेखकों का नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 22 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पूछा गया था, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 24 देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का ख़त्म। अब देखते हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन को। चलिए ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैं करा दूंगा।
जब मैथ के सेशन से स्टार्ट करूँगा और रीजनिंग का, तो उस टाइम सभी का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कराऊँगा। यहाँ पर स्क्रीन की शॉर्ट लेकर पढ़ाना बड़ी मुश्किल होगा मैथ और रीजनिंग, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिंदी का पार्ट, बेसिक नॉलेज और इंग्लिश एंड हिंदी। 25 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 76 या 78 में क्वेश्चन दिया था, चार विकल्प दिया गया था, उसमें से सही चूज करना था। देखिए सूद बताना था, वर्ष, वर्ष कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी देखिएगा सही है। वहीं 77 में ऑप्शन ए जो है विशेषता, ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत विशेषता लिखा गया है। 78 में बी जो है अभेद, ये बिल्कुल सही लिखा गया, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। 79 देखिए फील करना था, 79 में यहाँ पर प्रीपोजिशन फील करना था, गवर्नमेंट हैज द सेटअप ऑफ कोर्ट डैश इंक्वायरी टू एसर्टेन द फैक्ट्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखिए, द एमिनेंट्स द लेयर डैश हिज सक्सेस टू फादर्स गाइडेंस, तो आंसर होगा ऑप्शन डी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देखिए, वायलेंस डैश फॉर द सेकेंड डे टूडे इन द लोकेलिटी, तो आंसर हो जाएगा इरप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखिए, 82 से 83 तो यहाँ पर फिल करना था, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन था, मतलब हिंदी का फिल इन द ब्लैंक्स करना था, गौरी ने पुस्तक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देखिए, वो भय से थर थर ऑप्शन सी कांपने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखिए, यहाँ पे 84 से 86 जो अपोजिट बताना था, तो देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल ना पढ़िए, और ये जो कन्फर्म जो लाइनिंग किया गया है कन्फर्म के नीचे, इसको देखिए और डायरेक्ट अपोजिट बताइए, कन्फर्म क्या क्या होगा, अपोजिट डी ना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 85 देखिए, सोलो का अपोजिट होगा कोरला, कोरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखिए, डियरर का होगा चीपर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 से 89 में इसमें बताना था, देखिए तीन वाक सही था और एक वाक जो था वो गलत था, तो गलत वाला को बताना था। तो 87 में आप देख सकते हैं मैंने दो केले खाए, ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। आप इसका PDF डाउनलोड करके अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। 88 देखिए, यहाँ पर नदी धीरे धीरे बह रहा है, नहीं बह रही है, तो यहाँ पर रहा है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ऑप्शन सी। 89 देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होता है, ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 90 से 92 था, एरर बताना था, बहुत ईजी था, ही ऑलवेज लिसन टू हिज पेरेंट्स एडवाइस, ये ऑप्शन बी जो है गलत है, हु आर द बेस्ट वेल विसर, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखिए, द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप द जम्बलेटली वेन द चैंपियन रिसिव्ड द ट्रॉफी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस पेंस आर देयर कॉलर एंड द देयर साइज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है बिल्कुल, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 से 95 तक था, इसमें चार हिस्सों में बांटा गया था, इसमें हिंदी का एरर बताना था, शरीर स्वस्थ रहने वाली एक बहुत ही अच्छा उपाय और व्यायाम एवं योगासन माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बहुत ही एक ये गलत सेंटेंस है। 94 हमारे शहर के नया इलाके में वाहन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा सकता है, नए इलाके में ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए, गणित में अधिकांश छात्र भयभीत होकर परीक्षा में छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन 96 से 97 तक पूछा गया था, संधि विच्छेद बताना था, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक जोड़ आलय, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखिए, अनुप का संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ उप, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। देखिए 98 से 100 तक क्वेश्चन जो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था शायद, हाँ, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशन वर्ड, देखिए वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो अनेकों प्रकार के भोजन को करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन डी होगा ओमनीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखिए, ए पर्सन हु इज द चार्ज ऑफ द म्यूजियम के वैसे पर्सन जिसे म्यूजियम का चार्ज मिला हो उसे बोलते हैं क्यूरेटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 देखिए, ए स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन,
मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिना प्रिपरेशन का स्पीच बोलता हो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो ये रहा 2020 का ITVP एनिमल ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन। तो आप PDF डाउनलोड कीजिए, एनालिसिस कीजिए, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं होगा फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।